जैसा कि आपको पता है टिकटॉक में फिलहाल में एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और टिकटॉक यूजर काफी ज्यादा मिस्टेक कर रहा है। क्या मिस्टेक कर रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। जैसा कि आपको पता लग गया होगा, यदि आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता पता चल गया होगा हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको नहीं पता चला है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना। यदि आप टिकटॉक यूजर है, आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है टिकटॉक पे एक वीडियो एम्बुलेंस वाले काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो आपको टिकटॉक के फॉर यू पेज में 90 से 80% वीडियो आपको एम्बुलेंस वाले मिल जाएंगे। इस एम्बुलेंस को मैंगलोर से बेंगलोर की ओर लेके जा रहा है, जिसे 7 से 8 घंटा का सफर है, जिसे यहाँ पे हार्ट को ट्रांसमिट करना है और यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे में पहुंचाना है। इसमें एक 40 डे के बेबी है जिसे आपको हार्ट की सर्जरी करना है, तो यहाँ पे इतने टाइम नहीं था। जैसे कि आपको पता है किसी भी पेशेंट को हार्ट को ट्रांसमिट करते हैं तो हमें सिर्फ 3 से 4 घंटा का टाइम मिलता है। बेंगलोर हॉस्पिटल जयदेवा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया और वहाँ पे जाने के लिए हमें नॉर्मल अगर कार से हम जाते हैं तो 7 से 8 घंटा लगता है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 घंटा में पहुँचाना था। इसलिए एम्बुलेंस का ड्राइवर हुसैन ने तैयार हुआ, उसने हमें 0 ट्रैफिक मिलता है तो हम इसे 3 से 4 घंटे में पहुँचा सकता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे बेंगलोर और कर्नाटका की पुलिस और आम पब्लिक ने मिलकर इसे 0 ट्रैफिक दिया और फाइनली ये एम्बुलेंस 400 किलोमीटर 3.5 घंटा की सफर तय किया। फाइनली ये 40 डे बेबी का हार्ट को ट्रांसमिट किया गया और ये सफल हुआ। तो इस तरह से ये वीडियो काफी ज्यादा टिकटॉक पे वायरल हो रहा है और कुछ यूजर काफी ज्यादा मिस्टेक कर रहा है। मिस्टेक क्या कर रहा है, इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड कर रहा है। यदि आप ऐसा गलती करेंगे तो आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपके टिकटॉक अकाउंट वीडियो पे लाइक चेंज नहीं आएंगे और आप लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना है। किसी भी वीडियो को टिकटॉक से अपलोड करने के बाद टिकटॉक आईडी पे अपलोड नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना है तो सिंपल आप इसके बारे में बता सकते हैं और आपका फेस वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगा। इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं और अपने वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज ला सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।